नमस्ते, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नितेश गुप्ता। इस समय हम खड़े हुए हैं सिटी मॉल यानी होटल करार के बगल में। होटल कालिका खुला है, आप बता दें ये वही होटल कालिका है जो आजमगढ़ में काफ़ी प्रसिद्ध है और ये ऐसा पहला ब्रांच है आजमगढ़ का जो गोरखपुर में खुला है। हम आपको बता दें इस नाम से और भी आप कालिका होटल के नाम से और भी जगहों पर आप दुकानें देख रहे होंगे गोरखपुर में, लेकिन वो असली नहीं है ऐसा कहना है यहाँ पे जो ओनर हैं इसके अभिषेक सिंह उनका। हम उनसे भी बात करेंगे और यहाँ पे आपको टेस्ट भी बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, कैसे बन रही हैं। सबसे पहले अगर आपको दिखाना चाहें तो ये देखिए यहाँ पे प्याज पक रहा है और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि भट्टी में पका रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लकड़ी की भट्टी है और वहाँ पे लकड़ी जलाया गया है और ये चीज़ें पकाई जा रही हैं। और भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे अलग है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं कि ग्राहक इस दुकानों में बैठे हैं, वो इस चीज़ों का लुत्फ़ उठा रहे हैं, चीज़ों को आराम से खा रहे हैं। अभिषेक जी, यहाँ पे हम जो ओनर हैं अभिषेक जी उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे कुछ ग्राहक खाना खा रहे हैं, उनसे भी पूछेंगे कि यहाँ पे जो टेस्ट है कैसा लग रहा है। अभिषेक जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कालिका होटल, नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्लिक करता है आजमगढ़, उसका ब्रांच आपने यहाँ खोला, कैसा रिस्पॉन्स है और यहाँ पे इस नाम से जितने और भी खुले हैं उसके बारे में आप क्या? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स आप लोग का ये न्यूज़ कवर करने के लिए। ये कालिका की जो मेन ब्रांच है, हम लोग यहाँ पे गोरखपुर में खोले हैं, 13 दिसंबर को ओपनिंग हुई है हमारी। बाकी और भी जो यहाँ पे ब्रांचेज हैं वो सब उनका कॉपी मतलब नाम यूज़ कर रहे हैं, तो शुरू में जब हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया तो वो लोगों ने अपने नाम के आगे कुछ लगाना शुरू कर दिए हैं, न्यू कालिका, विशाल कालिका, महाकालिका, जो भी है। बट हम लोग यहाँ का मार्केट देखते हुए, हमारी और ब्रांचेज बनारस में 5 ब्रांच चल रही है, इलाहाबाद में चल रही है, अकबरपुर में चल रही है, आजमगढ़ में है ही, यहाँ का मार्केट देखते हुए हम लोग सोचे कि यहाँ भी एक नया अपना डाला जाए। अच्छा अभिषेक जी, कालिका नाम सुनते ही दिमाग में लोगों को जब जैसे आता है दिमाग में कि नॉनवेज खाना है तो कालिका का खाना है, स्वाद लोगों के मन में ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। कैसा स्वाद है कुछ बताइए कि क्या क्या बनता है यहाँ पे, किस तरीके से बनता है, अलग क्या है? और बात ये है सर कि कालिका जो है मीट के लिए फेमस है, बकरे का मीट, ये हमारी मेन खासियत है। हम लोग सब मसाला जो है अपने हाथ से बनाते हैं और सब पकाते हैं भट्टी में, लकड़ी पे हम लोग खाना बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम लोग ये ख्याल रखते हैं हाइजेनिक क्वालिटी डिलीवर करते हैं और हाइजेनिक फूड। स्टील का प्लेट हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, सब फाइबर का पत्तल और मिट्टी का जो कोसा आता है, जैसा आप देख सकते हैं सर खा रहे हैं, इसमें लोग देते थे यूज़ एंड थ्रो। क्योंकि आज के टाइम पे लोग सोचते हैं कि हमें जितनी सफाई से अच्छे से बाहर खाना मिले वो लोग पसंद करते हैं। ये चीज़ को ध्यान रखते हुए हमारी ये परंपरा कालिका की है, शुरू से चली आ रही है कि हम लोग मिट्टी के बर्तन में ही खाना देते हैं। हाँ वो और भी जगह पे हम लोग गए थे, और भी जगह पे हम लोगों ने देखा, कई जगह देखा गया स्टील की प्लेटें लोग यूज़ करते हैं, ग्राहक खाते हैं फिर उसे वापस धुल के दूसरे ग्राहक को परोसा जाता है, लेकिन ये यहाँ पे अलग है, यूज एंड थ्रो वाला जो आपने कॉन्सेप्ट निकाला ये अलग है। ये कॉन्सेप्ट हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन लोग यूज़ एंड थ्रो इस्तेमाल हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए नॉर्मली अगर मैं ही कहीं जाता हूँ किसी और होटल में खाने, तो एक बार या आप ही जाते होंगे तो एक बार दिमाग में आता होगा, पता नहीं प्लेट क्लीन होगा कि नहीं होगा, अच्छे से क्लीन हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। जैसे घर में भी हम लोग खाना खाते हैं तो घर की तो बात अलग, घर में साफ़ सफाई रहती है। तो यहाँ पे भी जो खाने आते हैं पैसा दे रहे हैं, कोई फ्री में खाने आ नहीं रहा है, तो कस्टमर अगर पे कर रहा है और हमारे यहाँ से आ रहा है पैसा दे खाने के लिए, सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर हमारा कोई मतलब नहीं है ना। तो इसीलिए हम क्वालिटी, हाइजेनिक फूड और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, मतलब मेरा लास्ट मोटो ये हमारा है कि कस्टमर जो हमारे पास आए खुश होके जाए, यानी स्वाद और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को लेके ही आप चीज़ों को चलते हैं। जी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेरे लिए मेन जो है मोटिव है हमारा, उसी पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। अभिषेक जी, और एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आपके वहाँ और क्या क्या मिलता है, ग्राहक जो हमारे दर्शक देख रहे हों अगर आपके यहाँ पे आते हैं खाने, और ऐसा कौन कौन सा स्पेशल चीज़ है जो आप यहाँ पे देते हैं? हम यहाँ पे मीट के आइटम में मीट, हंडी, मटन, कबाब खिलाते हैं, मटन की कलेजी है, साथ में यहाँ पे हम लोग मार्केट देखते हुए चिकन बिरयानी, चिकन का जो ग्रेवी चिकन, अंडा करी, वेज थाली भी स्टार्ट किए हैं हम लोग, जो मतलब बहुत ही शानदार है। यहाँ के लोगों को देख के, मतलब यहाँ के लोगों का जो रेस्पॉन्स वेज थाली के प्रति है वो बहुत अच्छा आ रहा है। बाकी सर खा रहे हैं वेज थाली, देखिए ये हमारे आइटम हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक भाई साहब हैं जो वेज थाली खा रहे हैं, आपको बता दें कि ये वेज थाली है। अभी वेज थाली में क्या क्या देते हैं इसमें? वेज थाली में सर देते हैं एक पनीर की सब्जी, एक सूखी सब्जी जो अल्टरनेट डे चेंज होती रहती है हर डेज में अकॉर्डिंग टू द जो अवेलेबिलिटी मार्केट में रहती सब्जी की, एक दाल फ्राई, 4 रोटी, चावल, सलाद। तो जो खा रहे हैं उन्हीं से पूछते हैं कि टेस्ट कैसा है। सर, सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे आप?
सुधीर कुमार झा। अच्छा सुधीर जी, आप देख सकते हैं हम कि आपके थाली में जो है दाल है, सब्जी है और ये शायद पनीर है जी, जी। रोटी गरम गरम है जी, जी। कैसा टेस्ट है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो सही है कि इन लोगों ने एक घरेलू रूप से जो है खाना देने का प्रयास किया है और इन लोगों का जो प्रयास है निश्चित रूप से सफल दिख रहा है, क्योंकि आप ये रोटी देख सकते हैं, ये रोटी एकदम घरेलू है, मोटी रोटी है जो शायद हम लोग घर में भी नहीं खाने को पाते हैं। अधिकतर कहीं ना कहीं जब कई ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं तो लिट्टी या मोटी रोटी मिल पाता है, घर में भी नहीं मिल पाता है। निश्चित रूप से एक घरेलू और एक देसी खाना देने का प्रयास किया है और इन्होंने साफ सफाई की व्यवस्था भी रखा है। जैसे और जगह जाने पे हम लोग आश्वस्त रखते हैं कि प्लेट साफ़ होगा नहीं होगा, और खाने में चूँकि इनकी दाल उल भी मैं देख रहा हूँ और सब्जी उब्जी में भी इन्होंने तेल मसाले का भी सही से सेवन किया है और ज़्यादा इन्होंने मतलब घरेलू खाना देने का प्रयास किया है। इन लोगों का प्रयास सही है और कालिका में हम लोग खाना खाते रहे हैं लेकिन पहली बार वेज कालिका का खाना खाने का मिल रहा है। ये इन लोगों का एक प्रयास है और ये निश्चित रूप से सफल दिख रहा है। तो खाते नॉन वेज है लेकिन आज आपने सोचा आज वेज खा रहा है। जी 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 जी, हमारे साथ एक और लोग मौजूद हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मटन का टेस्ट ले रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या कितना अच्छा लग रहा है इन्हें। क्या नाम है सर आपका? अजय कुमार सिंह मेरा नाम है। कैसा लग रहा है आज आप यहाँ पे खा रहे हैं? आपके प्लेट में देखा जा सकता है कि मिट्टी के जो है बाउल हैं, प्लेट जो है आपका डिस्पोजल वाला है, उसको अभी आप खा के फिर वो यूज एंड थ्रो वाला हिसाब है। कैसा टेस्ट है और क्या कहना चाहेंगे? टेस्ट एकदम घर की तरह है। घर पर अमूमन लोग गैस पर भी बनाते हैं, लकड़ी पर बनने की वजह से एक अजीब सा मिठास अधिक रसून है जिससे टेस्ट बढ़ जाता है। और मैं पहली बार नहीं कई बार खा चुका हूँ। अमूमन होटलों में तेल कहीं अधिक पड़ जाता है, तेल कहीं अधिक पड़ जाता है, साफ़ सुथरा नहीं रहता तो आधा भूख मर जाता है। यहाँ पर भूख से अधिक खाने को जी करता है, इतना बढ़िया बना है। बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। अच्छा ये यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट है इनका मिट्टी के बर्तन में देने से, तो क्या थोड़ा स्वाद इसकी वजह से भी और बढ़ जाता है? हाँ, हमको लगता है कि और भी इसमें टेस्ट बढ़ जाता है, सोस पर बढ़ता है। जी जी। तो अभी जो आप अभी मटन खा रहे हैं देख सकते हैं कैसा ग्रेवी कैसा है, स्वाद कैसा है? ग्रेवी बहुत बढ़िया है, सबसे बड़ी बात है कम तेल में ग्रेवी है जिससे उसका भी मजा आ रहा है। तेल अधिक होने की वजह से अमूमन होटलों में ग्रेवी छोड़ देता हूँ, यहाँ पर ही ऐसा है कि ग्रेवी भी मैं खा ले रहा हूँ आराम से। चलिए बहुत अच्छा। हमारे चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे होंगे उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या आके यहाँ टेस्ट करें? और यहाँ एक बार आप आइए, एक बार खाइएगा, बार बार आइएगा। ये जैसा मैं महसूस करता हूँ अपने लिए, मैं बार बार आ रहा हूँ, वो अगला भी आएगा एक बार टेस्ट ले लेगा। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम आपको ये चीज़ें दिखा रहे हैं या बता रहे हैं कि आप कालिका होटल में आइए जो यहाँ पे सिटी मॉल के बगल में खुला है, क्लार्क होटल जो है उसके जस्ट बगल में, वहाँ पे आइए टेस्ट लीजिए, तो ये ज़रूरी भी हो जाता है ये बताना और दिखाना खुद ही टेस्ट करके कि असल में इसका स्वाद है कैसा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिट्टी के बर्तन में एक मटन आया है और यहाँ पे एक चिकन आया है, और भी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। एक और अलग चीज़ यहाँ पे बताते हैं, कीमा, यानी बहुत से लोग जो है ठंड में कीमा खाना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे कालिका होटल के द्वारा कीमा भी बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है टेस्ट लेके बताना कि असल में बना कैसा है। तो आपको बता दें ये हम मटन टेस्ट किए अभी और इसका ग्रेवी विश्वास मानिए काफ़ी अच्छा है, लाजवाब है। अलग सा मसाला आ रहा है मुंह में जिसको ये पता चल रहा है कि हाँ कुछ है। और वहीं अगर चिकन की बात करें तो लाजवाब। अधिक कई होटलों में देखा गया है कि चिकन और मटन में जो है एक ही ग्रेवी यूज़ कर ली जाती है, लेकिन आप यहाँ पे आइए और आपको दोनों में अलग देखने को मिलेगा कि चिकन की जो ग्रेवी वो अलग है, मटन की जो है ग्रेवी अलग है, दोनों के मसाले अलग हैं, दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से पकाया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से भुना गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ग्राहकों को ये जो है परोसा भी जा रहा है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पे ये लगी कि ये जो मिट्टी के बर्तन में है, ऐसा माना जाता है कि मिट्टी के बर्तन में जो है परोसने से कुछ चीज़ों का स्वाद ऑटोमेटिक और बढ़ जाता है। अभिषेक जी, जिस तरीके से मिट्टी के बर्तन में आप चीज़ों को परोस रहे हैं, इससे क्या स्वाद में और भी थोड़ी बढ़ोतरी हो जाती है? जी, स्वाभाविक सी बात है, जैसे पहले देखते थे आप लोग, हम लोग भी अगर जाते हैं कहीं छुट्टी में तो ये पसंद करते हैं कि घर पे जाके हंडी मटन बनाएं, तो मिट्टी के बर्तन का एक अलग स्वाद होता है। इसीलिए हम लोग ये जो मीट तो हमारा लाजवाब है ही, लकड़ी के चूल्हे पर पकता, जैसा हमारे सर ने बताया, ये सर ये हमारे जो है मतलब लैंडलॉर्ड भी हैं और हमारे बहुत अच्छे कस्टमर भी हैं, क्योंकि ये अपने आप को रोक नहीं पाते हमारे यहाँ आके खाने से।
अच्छा, आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे अभिषेक जी, कितने बजे सुबह ये दुकान आप अपना खोलते हैं और कितने बजे तक चलता है? सुबह 11 बजे ओपन हो जाती है, 11 बजे से कस्टमर के लिए खाना अवेलेबल, हर आइटम अवेलेबल है 11 से रात के 11 बजे तक। रात के 11 बजे, हाँ। अच्छा, अभी कितने दिन पहले ये ओपनिंग हुई है? ये 13 दिसंबर को ओपनिंग हुई है, इसी महीने 13 दिसंबर, लगभग हमको लगता है 15 दिन हो गया। हाँ। कैसा रिस्पांस रहा शहर का? रिस्पांस, हम यहाँ के रिस्पांस से काफ़ी खुश हैं, रिस्पांस हमें अच्छा मिल रहा है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये हमारे पास है कि कस्टमर हमारे पास जा रहे हैं, मैं खुद नोटिस करता हूँ, रिपीट कस्टमर हमारे पास हो रहे हैं, जिसको मैं बहुत तवज्जो देता हूँ, क्योंकि एक बार कोई इंसान आता है खा के चला जाए तो वो मैटर नहीं करता है, बट वो कस्टमर रिपीट आपके पास हो रहा है, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा या जो भी है, इतने बीच मतलब समझ लीजिए कि 10 में से 6 लोग मेरे पास रिपीट आ रहे हैं। तो कारण है, हमें भी ऐसा लगा ये खा के कि टेस्ट कुछ ऐसा है कि आदमी एक बार खाएगा तो बार बार जरूर आएगा जी। बाकी अपने दर्शकों को अगर हम और भी चीज़ें दिखाना चाहें कि बनता कैसे है असल में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हांडी मीट पकाई जा रही है, यहाँ पे प्याज भुना जा रहा है और इसको यहाँ पे भट्टी पे पकाया जा रहा है। आप नीचे देख सकते हैं कि लकड़ी सुलग रही है, यहाँ पे आप तवा देख सकते हैं बड़ा सा जिसपे रोटी पकाई जाती है, और सबसे अच्छी यहाँ पे रोटी की खासियत आपको हम बता दें कि और होटलों में जो आप रोटी पतली पाएंगे, यहाँ के आप जो है जो कालिका होटल आएंगे यहाँ पे आपको रोटी जो है घर की तरह थोड़ी सी मोटी मिलेगी, जो कि नॉनवेज के साथ अधिकतम लोग खाना पसंद करते हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मिट्टी के बर्तन में जो है चीज़ों को परोसा जाता है। और हम आपको बता दें कि आजमगढ़ में जो इसका नाम है, ये पहली बार ऐसा है कि ये गोरखपुर में ये ब्रांच ओपन हुई है। इससे पहले आपको बता दें तमाम जो इस नाम से चलते हैं गोरखपुर में वो गलत हैं। अभिषेक सिंह ने हमें बताया कि वो तमाम नाम जो है आप उसमें कहीं ना कहीं अगर उस पर गौर करें तो उस नाम में आप अलग पाएंगे। कालिका होटल एक ऐसा नाम है आजमगढ़ का, जो आजमगढ़ के बाद अब यहाँ पर ओपन हुआ है। इसके पहले जो आप कालिका होटल के नाम से और भी गोरखपुर में आप दुकानें या होटल देखते होंगे, उस पर आप गौर करिएगा आगे से इस वीडियो देखने के बाद कि उस पर कहीं ना कहीं कुछ विशाल, महा, कुछ ना कोई एक अलग शब्द ऐड किया गया होगा, ऐड किया हुआ है, ऐड किया सफिक्स, कुछ प्रीफिक्स जैसे कुछ महाकालिका, न्यू कालिका, जय मां कालिका, कालिका हट, विशाल कालिका, व्हाटएवर, मतलब बेसिकली वो लोग क्या किए, कालिका को हाईलाइट करके और जो जोड़े हैं उसको छोटे में उसको छुपाने की कोशिश की, ताकि रेयर कस्टमर उसको नोटिस कर सके। बाकी जैसे होता है कालिका देख के घुस गए, लेकिन भैया नाम रखने से कालिका काम नहीं होता है। अच्छा अभिषेक जी, कई लोगों को ये भी डाउट रहता है, खासकर जो नॉनवेज वॉनवेज खाते हैं, कि जो आप खिला रहे हैं, चिकन खिला रहे हैं, मटन खिला रहे हैं, वो किस क्वालिटी का है, कैसा है, तो कहाँ से लाते हैं चिकन या कहाँ से, क्या अपने आप सामने वो मटन या फिर जो है बकरा या फिर वो चिकन कटवाते हैं? जी, हमारी यही खासियत है कि हम खुद जाते हैं, मैं खुद जाता हूँ, मैं और मेरा मेरा पार्टनर जो है साथ में, शशांक सिंह, दोनों हैं, दोनों में से कोई ना कोई जाता है। हम लोग अपने आँख के सामने खसी चेक करके कटवाते हैं और अपने सामने पीस करवाते हैं, मिलावट का कोई वो नहीं है, क्योंकि जब आँख के सामने कटवाएंगे, देखिए हम कस्टमर से पैसा अच्छा ले रहे हैं तो हम उनको डिलीवर भी अच्छा करेंगे, अच्छा सामान डालेंगे तभी अच्छा निकलेगा। कालिका के नाम से हम खोले हैं और हम 2 नंबर सामान खिलाएंगे तो कितना भी अच्छा मटेरियल डालेंगे हमको आउटपुट सही नहीं आएगा, आउटपुट सही नहीं आएगा तो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा। हम अच्छा चीज़ देते हैं, अच्छा सामान यूज़ करते हैं, घर का मसाला, खड़ा मसाला यूज़ करते हैं, सब हैंडमेड है, अपने आप जो भी है सब खरीदारी हम लोग अपने आप से करते हैं, हमारे जो है इसीलिए हमारा जो है। अच्छा, 15 दिन लगभग हो गए आपको इस शॉप ओपन किए, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है ग्राहकों का, और खासकर ऐसा कौन सा आपके पास ऐसा डिश है जिसके लिए ज़्यादा ग्राहक आ रहे हैं? डिश हमारा जो है मटन के लिए हम फेमस, और मटन की ही ज़्यादा ही डिमांड यहाँ पे आ रही है, मटन बकरे का मीट। रिस्पांस कैसा रहा 15 दिन में आपका? रिस्पांस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अगर रेट की बात करें तो आपका रेट भी और जगह से जो है एवरेज है, ऐसा रेट है कि कोई भी एक आम आदमी आएगा और आराम से खा के पेट भर के 200 रुपये के अंदर अपना पेट भर सकता है, नॉन वेज आइटम में ओवर सेटिस्फाइड होकर जाएगा। जो एक बैलेंस डाइट होता है इंसान का, पूरा एकदम बैलेंस डाइट मिल रहा है। तो आपने देखा कि हमारे साथ अभिषेक सिंह थे, ये कालिका होटल के मालिक थे, यहाँ पे जो सिटी मॉल यानी क्लार्क होटल के जस्ट बगल में खुला है। आपको बता दें आजमगढ़ के बाद ऐसा पहला ब्रांच है और ओरिजिनल ब्रांच है जो गोरखपुर में खोला गया है, ऐसा तमाम नाम का आप और जगह देख रहे होंगे लेकिन वो गलत है। साफ कहना था अभिषेक सिंह जी का कि जो आप कालिका होटल देख रहे होंगे और जगह, वहाँ पे कहीं ना कहीं उस नाम के आगे कुछ और देख रहे होंगे जो कि फर्जी है और गलत है। एक ओरिजिनल ब्रांच है जो सिटी मॉल के बगल में खुला है, टेस्ट करिए आजमगढ़ का, क्योंकि काफ़ी फेमस है, मटन और चिकन के लिए ही फेमस है, खासकर मटन के लिए। आप आइए टेस्ट करिए, वाकई जो है यहाँ पे जो भट्टी में चीज़ें बन रही हैं आपको एकदम घर का और ओरिजिनल टेस्ट मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज़ें जो यहाँ पे ये देखने को मिली कि
मिट्टी के बर्तन में जो चीज़ें परोसी जा रही हैं वो काफ़ी बहुत अलग है। जो रोटी है वो उसकी जो है क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। चिकन और मटन का जो है जो इस तरीके से पकाया जा रहा है वो काफ़ी अलग है। आप आइए और टेस्ट करिए, और एक ऐसा रेट है जिसको कोई भी आम आदमी आएगा और टेस्ट करके जरूर जाएगा, और एक बार अगर यहाँ पे आएगा तो टेस्ट लेके वो बार बार आएगा। जी बार ये गारंटी हमारी है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे हम पिछले 15 दिन से जब से हम खोले हम लोग बार बार मतलब हर कस्टमर से हम यही सुनते हैं अरे कैसा है, तो हम यही बोलते हैं सर एक बार आप टेस्ट करिए, और अभी तक जो भी टेस्ट किया है वो शाबाशी देखे गया है और वापस आया है दोबारा वापस। हाँ, तो हम भी आपसे यही अनुरोध करेंगे कि यहाँ कालिका होटल जो सिटी मॉल के जस्ट बगल में खुला है, क्लार्क होटल है उसके जस्ट बगल में, आप आइए यहाँ पे टेस्ट लीजिए, और हम ऐसा मानते हैं कि आपको एक बार टेस्ट लगेगा तो आप बार बार यहाँ पे आएंगे। बाकी अगर आप ये हमारा वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। अन्य खबरों के लिए आप गोरखपुर लाइव चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।